आजाद न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शेर ए हिंद हजरत टीपू सुल्तान, इनके बारे में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपशब्द का इस्तेमाल किया था। देवेंद्र फडणवीस का आज शेगांव में इरफान सुल्तान, जुबेर सहारा, फिरोज खान और रज्जाक ईरानी ने निषेध करते हुए देवेंद्र फडणवीस के पुतले को चप्पलों का हार पहनाकर जलाया। हिस्ट्री उनको पता नहीं, फिर भी वो हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अनाप शनाप बक रहा है, क्योंकि हजरत टीपू सुल्तान जिस दौर में बादशाह थे उस दौर में इसका पुरखों में कोई नामो निशान नहीं था, और इसने ना ही कोई भारत के लिए योगदान करा और ना ही भारत के लिए कोई इनकी पूरी खानदान में से किसी ने बलिदान दिया। हमारे हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने भारत की शान, जिन्होंने मिसाइल मैन जिनको माना जाता है, आज उनके नाम को लेकर ये अनाप शनाप बोल रहा है। बॉम्बे में जो मैदान का नाम रखा गया हजरत टीपू सुल्तान के नाम से, आज इनका बोलना है कि भाई हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह एक विरोधी थे, भारत में इन्होंने मंदिरों पर हमले करे, हिंदुओं को तकलीफ दी, ऐसा कुछ भी नहीं, इसको कोई हिस्ट्री पता ही नहीं थी। अगर इसको हिस्ट्री पता होती तो वो उनकी पूजा करता था, आज उसको हिस्ट्री क्या है ये मालूम ही नहीं। जो लोगों ने भारत के लिए अपना खानदान को शहीद कर दिए, आज उनके बारे में भारत में ऐसे लोग जो मूर्ख किस्म के लोग हैं, जो अपनी सत्ता में आने के वास्ते हिंदू भाइयों की ओर में एक जगह जमा करने के लिए हमारे हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अनाप शनाप बोल रहा है। हमने निषेध किया और उनका पुतला जलाया फडणवीस का।